खबरों की। विनय मनीष आर लकड़ा के नेतृत्व में नगर थाना के सामने दोपहिया वाहन जांच की गई। दोपहिया वाहन की चेकिंग चल रही है, बिना मास्क बिना हेलमेट डबल लोडिंग गाड़ी को पकड़ा जा रहा है। आज पूरा भारत लॉकडाउन, लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है, लोग अपने अपने घर में लॉक है, लेकिन कुछ सामाजिक संस्था और नेता गरीबों के बीच जाकर उनकी मदद करने का काम कर रही हैं। शिमला बहाल बस्ती के समाज सेवी फिरदौस अंसारी ने भी गरीब आसाय के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। एसपी के नेतृत्व में जवानों ने किया मॉक ड्रिल, किसी भी घटना से निपटने के लिए लाइव चित्रण किया। ईद उल फितर एवं कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला पुलिसों के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। यह मॉक ड्रिल पुलिस कप्तान मणिलाल मंडल के नेतृत्व में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्वारंटीन केंद्रों पर रह रहे प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे हैं और वहां पर उन सभी को मिल रही सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा आज बैरमो कोयलांचल स्थित सीसीएल के ढोरी बी एंड के ओर कथारा के महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा। स्वयंसेवियों राहगीरों को बांट रही पूरी सब्जी व पानी। बरही प्रखंड गेट के समीप स्वयंसेवियों ने प्रवासी राहगीरों की पूरी सब्जी व पानी बोतल देकर सेवा भाव से कार्य कर रही हैं। स्वयंसेवियों का कहना है कि प्रवासी राहगीर काफी दूर से आ रहे हैं। पटना के डीएवी स्कूल द्वारा तोड़ी जा रही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। पटना के स्कूलों में फी बुक और पाठ्य पुस्तकों के लिए स्कूल के बुलावे पर छात्रों के अभिभावकों की भीड़ टूट रही है, जबकि स्कूल खुले नहीं, फीस माफी हुई नहीं। बरहट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंकज मिश्रा ने कोविड 19 सेवा रथ को किया रवाना। दुमका में लॉकडाउन से किसान परेशान, उपज का नहीं मिलता उचित दाम। गोपीकांदर प्रखंड के खरौनी बाजार पंचायत के कर्माटांड गांव के कृषक सब्जी की खेती कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास में जुटे हैं। यहां के किसानों ने करीबन 10 बीघा जमीन में सब्जी की खेती की। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया लातेहार इकाई ने लातेहार विधायक को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकार को राहत दिलाने स्वास्थ्य बीमा दायरे में लाने की मांग की गई। विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा, मांग पर मुख्यमंत्री से करेंगे बात। कोरोना वायरस से लड़ें, साफ सफाई बरतें, बीमार लोगों से मिलने से पहले परहेज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाकर निकलें, पब्लिक प्लेस पर जाने से परहेज करें, किसी भी वस्तु को छूने से पहले और छूने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। आरपी भारत की एक शुरुआत कोरोना वायरस के खिलाफ। श्रम नियोजन एवं शिक्षा मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा सदर थाना पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। कोडरमा में कोरोना दूत बनकर पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे राजद नेता सुभाष यादव। कोडरमा जिले के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को जरूरी सामग्री मुहैया करा रहे राजद के वरीय नेता और चतरा लोकसभा चुनाव लड़ चुके सुभाष यादव। जमुई में 36 वर्षीय कटौना का एक और युवक निकला पॉजिटिव, जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 27। जामताड़ा विधायक इरफान ने कहा, लोगों की मदद करना मेरा धर्म है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जामताड़ा आवास पर सभी जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र और अनाज का वितरण किया। बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर में खाना नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूर ने थाली पीट कर किया हंगामा। विधायक अमित यादव ने किया क्वारंटीन सेंटरों में सूखा सामग्री का वितरण। बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव ने जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांव में बनाए गए प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर में जाकर सूखे सामग्री का वितरण किया, जिसमें चूड़ा, गुड़, सत्तू तथा चना आदि शामिल है। घर छोड़ने के बहाने युवक ने दलित महिला के साथ किया दुष्कर्म, घटना के बाद से आरोपी युवक चल रहा है फरार। बारबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने आसनसोल के सांसदों द्वारा गोद लिए गए सिद्धबारी और बशकटिया गांव में खाद्य पदार्थों का वितरण किया। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।